नमस्कार कक्षा चतुर्थ के भैया बहन, आज की कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 बाल लीला के वर्णन पर चर्चा करेंगे। बाल लीला पद की रचना भक्त शिरोमणि स्वामी सूरदास जी ने किया है। भक्त शिरोमणि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में एक महान भक्त थे। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है। ये रचनाएं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है और हमें सूरदास जी की ये सारी रचनाएं सूर सागर नामक ग्रंथ में देखने को मिल सकता है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रसंग है बाल लीला का, वो भी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से ही संबंधित है। श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। सूरदास जी ने इस खेल के माध्यम से बच्चे की प्रवृत्ति और प्रकृति का सहज एवं सरल वर्णन मार्मिक ढंग से किया है। चले हम इस पाठ का एक बार अवलोकन करें और हर पंक्तियों पर नजर डालें कि सूरदास जी किन पंक्तियों में क्या बता रहे हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने इस बाल लीला में कहते हैं कि ग्वालों के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण हारने के बाद गुस्सा जाते हैं। इसे देखकर उनके साथी कहते हैं, खेलत मैं को काकु गुसैया, हरि हारे जी ते श्री दामा, बर बस ही कत करत रिसैया। हे कृष्ण, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं। खेल में श्री कृष्ण तुम हार गए हो और मित्र श्री रामा जीत गया है, फिर भी तुम झूठ मूठ का झगड़ा कर रहे हो, खेल को खराब कर रहे हो। फिर दूसरी पंक्ति में सूरदास जी यह बताते हैं कि जाति पाति हम ते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातें जातें अधिक तुम्हारी गईया। जाति में हमसे बड़े नहीं हो, तुम्हारी छाया या आश्रय में हम बसते नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे पास कुछ अधिक गायें हैं, इसलिए तुम हम सभी पर अपना अधिकार जता रहे हो या जताने की कोशिश कर रहे हो, इससे काम नहीं चलने वाला। फिर तीसरी पंक्ति में रूहठी करे तासों को खेले, रह बैठी जह तह सब गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत दाऊदियो करी नंद दुहैया। और सभी ग्वालवाल ये कहते हैं कि ऐसे झगड़ा करने वाले के साथ कौन खेलेगा। यह का सभी ग्वालवाल रूठ कर जहां तहां बैठ जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो मन ही मन खेलना चाहते हैं, लेकिन रूठे हुए ग्वाल बाल साथियों को देखकर श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खेलने की इच्छा है और सारे ग्वाल बाल रूठ कर बैठ गए हैं। अब कोई चारा नहीं दिखता कि खेल को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए श्री कृष्ण झुककर अपने हठ को छोड़कर ग्वाल बालों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर दांव देता हूँ तथा अपनी हार भी मान लेता हूँ, लेकिन हे मित्रों, चलो खेल को आगे बढ़ाएं और हम सभी पुनः एक बार अच्छे मन से इस खेल को आरंभ करें। धन्यवाद।